हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम हिंदी स्वर पुस्तिका पेज नंबर 20। तो बच्चों, ये आज हम अभ्यास करने वाले हैं। प्रश्न पहला है, गोल घेरे में दी गई बड़ी ई की मात्रा को उचित स्थान पर लगाकर सही शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान है, आपको यहाँ पर ये जो है ये है बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर रिक्त स्थानों में बड़ी ई की मात्रा लिखकर शब्दों को पूरा करना है। प के साथ बड़ी की मात्रा पी, ल के साथ आ की मात्रा ला, पीला। उसी तरह आपको यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगानी है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगानी है, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा लगानी है। यानी कि सभी शब्दों पर रिक्त स्थानों पर बड़ी की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। जैसे कि पीला, छड़ी, सीता, इमली, नीला, मीठी, दादी, लीची। ओके बच्चों, यहाँ पर अभी आपको सभी रिक्त स्थानों में बड़ी की मात्रा लगानी है। प्रश्न दूसरा, शब्द पूरे करिए। तो बच्चों, यहाँ पे प लिखा है, आपको यहाँ पे प के साथ बड़ी की मात्रा पी, त के साथ आ की मात्रा ता, पपीता, पपीता। द, द के साथ आ की मात्रा दा, दी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द और द के साथ बड़ी की मात्रा दादी, दादी। यहाँ पर हम लिखेंगे दीपक। द, द के साथ बड़ी की मात्रा दी, प क दीपक। क क ड लिखेंगे हम यहाँ पे, ड ड लिखना है और यहाँ पे नीचे डॉट देना है। ओके, और ड के साथ बड़ी की मात्रा डी, क क डी। ये है ग ठ। यहाँ पर हम लिखेंगे र, र से रस्सी। र के साथ बड़ी की मात्रा री, गठरी। म छ ल लिखेंगे हम यहाँ पे, ल से लट्टू। ल के साथ बड़ी की मात्रा ली, मछली। क ह के साथ आ की मात्रा हा, नी। हम यहाँ पे न लिखेंगे और न के साथ बड़ी की मात्रा लिखेंगे, कहानी। न के साथ आ की मात्रा ना, श। प के साथ आ की मात्रा पा, ती। हम यहाँ पे लिखेंगे त से तरबूज और उसे लिखेंगे त से तरबूज के साथ लिखेंगे बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। पपीता, दादी, दीपक, ककड़ी, गठरी, मछली, कहानी, नाशपाती। तो बच्चों, इस तरह रिक्त स्थानों में आपको सही अक्षर लिखना है। प्रश्न तीसरा, चित्र पहचान कर सही शब्द लिखें। तो बच्चों, ये क्या है, बकरी। ब क र के साथ बड़ी की मात्रा री, बकरी। ये है मछली। म छ ल के साथ बड़ी की मात्रा ली, मछली। ये है हाथी। ह, ह के साथ हा, यानी कि ह के साथ आ की मात्रा हा। थ, थ के साथ बड़ी की मात्रा थी, हाथी। बकरी, मछली,
हाथी। तो बच्चों इस तरह आपको चित्र पहचान कर सही शब्द लिखना है।